केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुक्रवार को शिलान्यास कर दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी आधारशिला रखी। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1,320 किलोमीटर होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही टोल देना होगा। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने का भी काम जल्द ही शुरू किया जाएगा और इसके लिए भी शिलान्यास किया गया। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई सांसद और नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान 1,217 करोड़ रुपए के जयपुर रिंग रोड का भी लोकार्पण किया गया। दिल्ली मुंबई ये द्रुतगति महामार्ग का शिलान्यास हमारे देश के हमारे विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा जी के द्वारा हो रहा है। मैं अभी उनको बता रहा था कि शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, क्योंकि एक ही ग्रीन हाईवे नई अलाइनमेंट है, 90,000 करोड़ का है, 1,350 किलोमीटर का है और ये इस प्रकार का हाईवे एक्सिस कंट्रोल शायद दुनिया में पहला हाईवे होगा और इसका आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर महज 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, यानी ट्रेन से भी पहले आप अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। अभी इस दूरी को तय करने में 24 घंटे का वक्त लगता है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 साल में पूरा होगा। दिल्ली मुंबई का एक एक्सप्रेसवे जो 1,320 किलोमीटर का, ये एक दूसरा हाईवे होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। किसी भी देश में जो हाईवे और राजमार्ग होते हैं, जनता का जीवन सरल करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच मौजूदा दूरी में लगभग 150 किलोमीटर की कमी आएगी, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों के कंजेशन से भी छुटकारा मिलेगा।